ये क्या लिए चले आ रही हो शिल्पी? ये है अमेज़ॉन के पैकेजेस, जिसमें मैंने मंगाया कुछ किचन का बहुत ही बढ़िया वाला सामान। तो मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ और आपके साथ ही देखूँगी क्या क्या आया है इसमें। तो चलिए सबसे पहले ये पैकेट ओपन करके देखते हैं। मुझे खुद भी नहीं पता किसमें क्या है। और अब एक्चुअली होता क्या है ना, हम इतना सामान ऑर्डर करते हैं ना बाज़ार से कि हम भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया था। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। तो इसमें है मेरा कॉफ़ी मेकर, मैंने ऑनलाइन देखा था तो बड़ा अच्छा लगा था मुझे। तो ये है देखिए, तो चलिए फटाफट इसको खोल के देख लेते हैं इसमें क्या क्या है अंदर। तो ये तो शायद इसका मशीन वाला पार्ट है, और ये इसके साथ एक इलेक्ट्रिक वायर निकला है, ये वारंटी कार्ड, और ये है इसकी विप करने की मशीन जो कि बहुत काम आने वाली है, मतलब इसी से बेसिक काम होगा। तो मैं ना इसको फटाफट वॉश करके लेके आती हूँ। तो मैंने सब कुछ अच्छे से वॉश कर लिया, और इसको लिखा था कि इसे वाइप करना है तो मैंने वो भी कर लिया है। और फटाफट कॉफ़ी बना के देखते हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के कॉफ़ी, और 2 टीस्पून मैंने डाला है इसमें शक्कर, और इतना ही मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डलता है कॉफ़ी जब फेंटते हैं, नहीं तो वो सही नहीं फेंटती है। और बस हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे, और बस इसको इस तरह से इसमें फ़िट कर देना है। और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी से इसको कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए, अरे चीज़ तो सही लग रही है, हो जाए काम तो, मतलब घंटों का काम मिनटों में, मतलब बहुत टाइम लगता है कॉफ़ी फेंटने में। और इसके साथ साथ लिखा है आप इसमें किसी भी तरह का बैटर बना सकते हो, एग बीट कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं ना कि बस इसको फिटते हुए 2 मिनट ही हुए अभी, और कितना बढ़िया इसमें फ्रॉथ आ गया है। अगर हाथ से इतनी कॉफ़ी फेंटती है ना तो मतलब बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मैंने मिक्सी में भी करके देखा पर इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। तो ये देखिए 3 मिनट तक मैंने इस कॉफ़ी को अच्छे से फेंट लिया है। वाह, देख रहे हो ना क्या बढ़िया अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। तो बस अब तक का सबसे अच्छा फ्रॉथ इसी में निकला है ना। वेरी ट्रू, चम्मच से ट्राई कर चुके हैं, हीटर से कर चुके हैं, मिक्सी से कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और ये देखिए कितना क्रीमी है, ये देख रहे हो। तो ना मतलब जिसके जिसके घर में कॉफ़ी पी जाती है ना, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। पसंद आया आपको? हाँ मुझे तो बहुत पसंद आया। कॉफ़ी और बना के देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए फटाफट कॉफ़ी बना के भी देख लेते हैं। तो बस हम 1-1 स्पून भर के कॉफ़ी मग में डाल देंगे। तो वैसे ना इसका प्राइस है कुछ 1250 या कुछ 1200 का पड़ा था मुझे एक ये इंस्ट्रूमेंट, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर मुझे लगता है बहुत काम का है, क्योंकि इसमें आप इसको बहुत चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। आप पकौड़ों का बैटर बना सकते हो, आप आई थिंक क्रीम भी विप कर सकते होगे इसमें आराम से। और बस हम इस पर ना एकदम गर्मा गर्म दूध डाल देंगे। तो बढ़िया चीज़ है, ऑर्डर की जा सकती है, थोड़ी एक्सपेंसिव है पर बहुत काम की चीज़ है। बस इसको अच्छे से घोल लेंगे, और ना बिल्कुल बाजार जैसी एकदम फ्रॉथी कॉफ़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम ये कॉफ़ी पाउडर डाल देंगे, और भी ज़्यादा बढ़िया टेस्ट के लिए, बिल्कुल वैसी टेस्ट आएगा जैसे हम शादियों में पीते हैं। तो अमित आप ट्राई करोगे? मतलब अमित हमारे यहाँ कॉफ़ी पीते हैं बहुत ज़्यादा, इसके लिए मैंने अमित से पूछा है फीडबैक। शिल्पी बहुत बहुत सही चीज़ यार ये। रियली? मेरी तरफ से भी ओके, डन, बहुत बढ़िया भाई आपका। तो मतलब इस प्रोडक्ट को हमारा थम्स अप है। तो चलिए अब दूसरा प्रोडक्ट खोल के देखते हैं। ये कुछ छोटू सा है तो मैंने कुछ ऑर्डर किया होगा। ओके, ये हैं फनल्स जो मैंने बनाई मंगाई थी, पर मुझे ये नहीं पता था ये इतनी छोटी आएंगी। ये तो बहुत छोटी है। तो एक्चुअली ना मैं इस तरह का तेल का बॉटल यूज़ करती हूँ, तो बड़े बॉटल में से इसमें डालना होता है तो बहुत गिरता था तेल। तो क्या होता है ना, आप इस तरह का फनल लगा लो तो अगर थोड़ा बड़ा होता तो शायद बेटर रहता। पता नहीं है कितने काम का होगा, मुझे भी नहीं पता, मैं यूज़ करके बताऊँगी बाद में। लेकिन थोड़ा छोटा लग रहा है, पर उस वे में हैंडी है कि ना आप इसको आराम से इस तरह से फोल्ड करके अपनी जो चम्मच वाली ड्रॉअर होती है ना उसमें रख सकते हो, तो खोएगा नहीं है। नहीं तो इस तरह का सामान ना घर में ना इधर उधर हो जाता है, हमें मिलता नहीं है बाद में। तो ठीक ही है, मतलब उम्मीद नहीं की थी हमारे इतने छोटे छोटे से आएंगे, मुझे लगा था थोड़ा बड़ा आएगा। तो चलिए अब और कुछ भी खोलते हैं हम। और ये तो बिल्कुल वेटलेस है, और मैंने ना शायद पाइनएप्पल कटर ऑर्डर किया था, मुझे लग रहा है वही होगा इसमें। हाँ ये पाइनएप्पल स्लाइसर ही है, चलिए इसको और देखते हैं, क्योंकि ना देव को पाइनएप्पल बहुत पसंद है, और पाइनएप्पल काटना ना अपने आप में एक काम होता है। क्या निकला है इसमें? ओके, तो ये देखिए बस इस तरह का निकला है इसमें ये पाइनएप्पल कटर। इसको मैं वॉश करके लाती हूँ फिर यूज़ करके देखते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको वॉश कर लिया, मैं तो आप मुझे पाइनएप्पल दोगे वो? ओके, तो ये पाइनएप्पल कटर पाइनएप्पल से तो छोटा ही है, चलो फिर भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो मैंने इसको वॉश कर लिया अच्छे से, तो इसका स्टेम हम ना ऊपर से पूरा हटा देंगे पहले इस तरह से, और थोड़ा सा नीचे वाला भी हटा देंगे जिससे ना इसको हम अच्छे से खड़ा कर पाएँ पाइनएप्पल को। तो बस अब हमें शायद क्या करना है, इसको ना अच्छे से इसमें पहले फिक्स करना है, और इसको इस तरह से रोटेट करना है अंदर।
ओ माय गॉड, हमें तो मुश्किल ही है इससे काटना. जूस निकाल दिया इसका. कट तो रहा नहीं. मुझे भी लग रहा है कि इससे अच्छा तो मैं हाथ से काट लूंगी यार. इट्स वेस्ट. पता नहीं है, आप करके देखोगे क्या? थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया, सेंटर में सही से रखना है इसको. और शायद इसको दबाते रहे और इसको खिसकाते रहे. ठीक है, मतलब स्टार्ट तो हुआ. लो बस ही. तो अमित ने इसको ना मुझे थोड़ा सा फिक्स करके दिया है, पर इजी नहीं है एक्चुअली. तो ना थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो ना कट नहीं होगा ये. तो ये थोड़ा सा तो निकला. ये देखिए क्या हुआ है इसका, ये आई डोंट नो. ये अरे ओके, कुछ तो निकला है मतलब. पर एक तो उसका जूस निकल गया पूरा. हाँ बहुत. देखो ये देखो कितना जूसी हो गया ये. और मुझे लग रहा है ना इसको काटने के लिए बहुत ज़्यादा आपको ना मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब अच्छा फोर्स लगाना पड़ेगा. मतलब एक चीज़ इसमें ये अच्छी है कि ना इसमें से ये जो ऊपर कांटे हैं ना, देखो अपने आप ही सारे निकल गए ऑलमोस्ट. क्योंकि अगर हम हाथ से जब पाइनएप्पल काटते हैं ना तो पूरे कांटे भी निकालने पड़ते हैं बाद में. पसीने छूट गए. ये तो नहीं यूज़ करना, मुझे नहीं लग रहा यूज़ करना इसके बाद. नहीं वैसे देखो शायद हमें तो आप काटोगे ना तो आप काट लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है. ये देखो और फिर पाइनएप्पल पे भी डिपेंड करता होगा क्या? हाँ शायद हो सकता है. देखो नीचे का बीच का कोर भी पूरा निकल गया. नॉट वेरी बैड, लेकिन ना थोड़ा सा ना मसल पावर चाहिए यार काटने के लिए. तो ये देखिए निकल तो आए पीसेस, थोड़ी दम चाहिए. मतलब पहले जिम करके आइए उसके बाद यूज़ करिएगा. एक चीज़ अच्छी है ना कि इसमें से ना आपको ये कांटे निकालने की ज़रूरत नहीं है. पाइनएप्पल ना देखो अच्छे से कट हुआ है, डायरेक्ट खा सकते हो. और अभी इसमें बहुत सारा पाइनएप्पल बाकी है जो कि मैं अमित से निकलवाऊंगी. तो ओके प्रोडक्ट है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी. पर थोड़े से आप देख रहे हो ना कटे कटे पीसेस भी निकल रहे हैं. कई बार हमें होल पाइनएप्पल चाहिए होता है तो वैसा नहीं है, पर ओके है मैं कहूँगी. और ये है हमारा आखिरी प्रोडक्ट. तो आपको दिख ही रहा होगा ये ना इडली स्टैंड है. वैसे मेरे पास एक और है पर उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, मैं आपको वो भी दिखा दूँगी. और तो ये मैंने नया ऑर्डर किया था अभी. तो इसमें ये एक बॉक्स निकला है और ये कवर है और एक और डब्बा है. तो ये देखिए कितना सारा सामान निकला है. और मुझे जो रेट याद है कुछ ऐसी 1600 या 1700 का था ये. तो ये तो है, ये देखिए मिनी इडली वाली प्लेट ना, ये बहुत काम आती है. बच्चों को छोटी छोटी इडली या ढोकले बना के दो ना तो वो आराम से खा लेते हैं, बड़ा वाला नहीं खाते. और ये है जैसे आपको, जैसे मैंने सूरती लाचो बनाया था ना उसके लिए प्लेट बहुत काम आती है. आपको मोमो स्टीम करने हैं उसके लिए भी बहुत यूज़फुल है. फिर इसके साथ निकली है दो इडली की प्लेट्स. और आप इसमें एक साथ एक दो तीन चार सात इडली बना सकते हो, मतलब एक बार में 14 इडली बना सकते हो. और ये है इसका बेस. तो सबसे अच्छी बात क्या है ना, ये स्टील का है पूरा. तो बहुत सारे एल्यूमिनियम के भी आते हैं पर मैं प्रेफर करती हूँ कि स्टील का ही लूँ. तो इसके साथ ही एक ये जाली वाली प्लेट भी निकली है. और इसमें भी जैसे कुछ डायरेक्ट सब्जियाँ वगैरह स्टीम करनी हो तो बहुत काम आती है. और ये इसका बेस है, ये भी काफ़ी बड़ा सा है देखें आप. तो एक बार में आप दो इडली के स्टैंड लगा सकते हो आराम से. ये देखिए. तो मेरे पास ना एक और है, मैं आपको वो दिखाती हूँ कि उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम है. तो ये है मेरा ना पुराना वाला इडली स्टैंड, ये भी स्टील का ही बना है. इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ. इसमें क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा गहरा है बेस. तो जो ये लास्ट वाला है ना सेक्शन, अगर मैं इसमें इडली डालती हूँ ना, बैटर डालती हूँ, तो इसमें सारा पानी भर जाता है और सारी इडली ख़राब हो जाती है. इनफैक्ट ये इडली के जो सांचे हैं ना आपस में इतने पास पास है कि आप मुश्किल से इसमें से सिर्फ दो एक बार में यूज़ कर पाते हो. तो मैं पहला और तीसरा यूज़ कर पाती हूँ. अगर आप ये साथ में सब लगा देते हो तो सारी इडली आपस में चिपक जाती हैं और नीचे वाले में ना पूरा पानी भर जाता है. रादर देन दिस कि ये थोड़ा चौड़ा है बेस इसका. तो इसमें क्या होता है ना, और आप देख रहे हो ना ये इस तरह का शेप है कि ऐसा आएगा. तो इसमें ना थोड़ी जगह है स्टैंड को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करने के लिए. तो क्या होगा, इडलियाँ आपस में चिपकेंगी नहीं, या फिर आप कोई भी दो प्लेट्स आराम से यूज़ कर पाओगे. तो मैंने अपनी फ्रेंड का देखा था तो मैंने ऑर्डर किया और मैं इसको ट्राई कर चुकी हूँ वैसे अपनी फ्रेंड का. पर अच्छा प्रोडक्ट है ये. तो ये ना कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है मेरा. मुझे लगता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिससे आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, काम जल्दी हो जाता है. तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी तो मैंने खरीद ली. अमेज़ॉन से खरीदी है, सब आपको मिल जाएंगी. आपको जिस भी कंपनी का मिल जाए या फिर जो आपके एरिया में अवेलेबल हो आप खरीद सकते हो. इसमें से ये कॉफ़ी बीटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. ये इडली स्टैंड मैं इस तरह का यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि मल्टीपल चीज़ें आप एक ही स्टैंड के लिए यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ें बना सकते हो इसमें. ये तो मुझे ओके लगा, मतलब काट सकते हो पर थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा. ये फनल ठीक है पर थोड़ी छोटी है, शायद साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है तो बेटर रहता.
तो साइज़ देख के लीजिएगा जब आप ऑर्डर करें। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आप ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स खरीदते हो जिनसे लाइफ इजी हो जाए, मेहनत कम करनी पड़े और काम फटाफट जल्दी से हो जाए। तो मैं भी देखूंगी, खरीदूंगी और रिव्यू करूंगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।